रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। माय नेम इज़ मिस पामीर, लेक्चरर बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल। आज ये जो हमारी वीडियो है, दिस इज़ अबाउट पार्ट टू ऑफ लेक्चर नंबर वन, चैप्टर नंबर 15, होम्योस्टेसिस। टॉपिक्स जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स एंड देन ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली क्या है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, मतलब उनके पास पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। इसलिए क्या होता है, अगर हम इनकी अडेप्टेशंस की बात करते हैं, अडेप्टेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो स्टोमेटा होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट। और बेसिकली वो क्या होंगे, अपर सरफेस पे होंगे, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। और ये सारी अडेप्टेशंस हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स अपने अंदर ले के आते हैं ताकि वो वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मीजोफाइट्स की, मीजोफाइट्स क्या होते हैं, मॉडरेट वाटर के अंदर रह रहे होते हैं, ना पानी बहुत ज़्यादा होता है ना पानी बहुत कम होता है। और अगर हम लोग अडेप्टेशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर पानी इनको ज़्यादा मिल रहा है तो ये क्या करेंगे, वाटर का लॉस ज़्यादा कर देंगे थ्रू देयर स्टोमेटा। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई में रह रहे हैं तो अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे। और अगर अब हम बात करते हैं जीरोफाइट्स की, जीरोफाइट्स बेसिकली दीज आर डेजर्टेड प्लांट्स, इनके अंदर क्या अडेप्टेशंस होती हैं, अगर हम लोग अडेप्टेशंस की बात करते हैं तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं बेसिकली वो संकन स्टोमेटा मौजूद होते हैं, डिप्रेशन के अंदर स्टोमेटा पाए जाएंगे और बहुत ही कम वाटर का लॉस होगा इनकी बॉडी के थ्रू। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, अगर अब हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में, तो इस बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक रखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, मतलब जितनी सोल्यूट कंसनट्रेशन इनकी बॉडी के अंदर है उतनी ही बाहर ये लोग मेंटेन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं मैरिन इनवर्टिब्रेट्स, हैग फिशेस एट्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ऑस्मो रेगुलेटर्स की, इसमें क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं डिफर्स नोटिसिबली विद आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो क्या होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट बेसिस पे वो अपने बॉडी फ्लूइड्स को चेंज करते रहते हैं, सोल्यूट की कंसनट्रेशन को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, खुद को इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। अगर अब हम इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कार्टिलेजनस फिशेज आ जाती हैं और बोनी फिशेज आ जाती हैं। मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेज। फिशेज दो तरह के इन्वायरमेंट में रहती हैं बेसिकली, सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। सी वाटर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स होते हैं, तो अगर हम लोग इस फिश की बात करें जो कि सी वाटर में पाई जाती है, गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आइंस फ्रॉम फूड, ये फूड गेन करेगी वाटर को, सॉल्ट को फूड में से, और उसके बाद ये क्या करेगी, जब पानी पिएगी, मतलब इट विल ड्रिंक सॉल्टी वाटर, उसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइंस फ्रॉम गिल्स, गिल्स के थ्रू सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करेगी, ऑस्मोटिक वाटर लॉस through gills and other parts of the body surface. This was all about osmoregulation in seawater fish. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं osmoregulation in fresh water. Gain of water and some ions in food. ये क्या करेगी, कुछ थोड़े बहुत ions और water का gain करती है through their mouth uptake. Uptake of salt ions by gills. Gills के through करेगी, ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सर्फिस। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी, किडनी से डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्म में यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि खुश्की का इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पानी बहुत कम मौजूद होता है। एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कॉजेज डिहाइड्रेशन, जैसे ही बॉडी से एवेपोरेशन शुरू होगी तो बेसिकली ये क्या कॉज करती है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिहाइड्रेशन को कॉज करती है। अब अडेप्टेशन इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे पहले आ जाती है बॉडी सर्फिस,
इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वैक्सी एक्सोस्केलेटन को डिपॉजिट कर लेते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन कम से कम। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करेंगे, मल्टी लेयर्ड और डेड कैरेटिनाइज्ड सेल्स की लेयर्स को डिपॉजिट कर लेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, इट विल कॉज लेस डिहाइड्रेशन। उसके बाद ड्रिंकिंग एंड ईटिंग फूड्स दैट कंपनसेट वाटर लॉस, ऐसी खुराक खाएंगे जिसकी वजह से वाटर का जो लॉस हो रहा था वो पूरा हो जाएगा। मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल चेंजेस, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, बाय फीडिंग सीड्स, सीड्स के ऊपर ये फीड करेंगी जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। बाय प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करेंगे जिसमें पानी का जो लॉस है वो कम से कम हो। एंड हाइड्रोबायोसिस का फिनोमिनन ये यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉकटर्नल बिहेवियर, इसमें क्या होता है, ये एक बिहेवियरल अडेप्टेशन है जिसके अंदर एनिमल्स क्या करेंगे, सिर्फ रात के टाइम बाहर निकलेंगे। ओके, एनिमेशंस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ एनिमेशंस मैंने प्रोवाइड की हैं इस वीडियो के अंदर जो कि आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। ऑन योर टेक्स्ट बुक्स स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस टू एन हाइड्रोबायोसिस, यू कैन सी इन द पिक्चर। लेक्चर नंबर वन जो कि दो पार्ट्स पे मुश्तमिल था, मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस से स्टार्ट किया और एन हाइड्रोबायोसिस तक इसको पढ़ाया। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर देख सकते हैं, जो कि मैंने कुछ मतलब स्क्रीनशॉट भी इधर प्रोवाइड कर दी है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सी यू सून, गुड बाय एंड गुड लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह।